welcome back to my channel. In today's video we are doing Nykaa haul under rupees 100 only. और अभी तो hot pink sale चल रहा था तो 100 से भी और ज़्यादा सस्ते में मुझे मिला है. तो सारी ही चीज़ मैं आपको in detail बताने वाली हूँ. इतनी सारी चीज़ें मैंने purchase की है, मतलब बहुत कम है. और अगर आप Nykaa hot pink sale से नहीं purchase करते हो, normally भी purchase करते हो, तो ये आपको under 100 rupees ही आ जाएगी. तो चलो without any further ado let's get started. Guys, I don't have any makeup on my face. It's bare skin. You guys can see जो भी मेरी imperfections है आप देख सकते हो. तो या वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो हमने ऑर्डर किया है ये है प्राइमर. प्राइमर मैंने ये परचेस किया, ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का है. वाओ, इतना चिंटू सा आ जाता है. ऑल्सो ये बेनिफिट कॉस्मेटिक्स का प्राइमर का कॉपी है, मतलब ड्यूप मिल गया हमें. वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और ये आपको अंडर 100 रुपीज़ मिल जाएगा. इसका प्राइस जो है ना, नॉर्मली इट्स 115, पर आपको नायका पे सेल के टाइम पे, अमेजोन पे सेल के टाइम पे और भी ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा, मतलब 80-90 रुपीज़ में मिल जाएगा. तो या इसको अब हम लगा के देखते हैं. वो इसको अब हम लगा रहे हैं. आइए या इसको मैंने थोड़ा सा अपने बैक ऑफ माई हैंड ले लिया है. ये कुछ ऐसा लगता है, यू गाइस कैन सी. चलो इसको फेस पे लगा के देखते हैं. ऑल्सो आपने इसको मॉइस्चराइजर की तरह नहीं लगाना है, आपको बस आपके जो ओपन पोर्स हैं यहाँ पे सब आपको इससे स्प्रेड करना है, ताकि जो मेकअप है ये इसके ऊपर आएगा. पर या नेक्स्ट मैंने परचेस किया है ये इनसाइड का कलर करेक्टर है, यू गाइस कैन सी. और ये इतना सस्ता मिल गया था, मतलब 75 रुपीज़ का कुछ है ये. इट्स वेरी अफोर्डेबल. आपको बस इसको ना अपने मेरे जो डार्क सर्कल है ना, हमने इसको हाइड करना है इसके साथ. एंड वो चलो इसको हम लोग अपने डार्क सर्कल को हाइड करते हैं. या दिस वॉज आर सेकेंड परचेज. ये भी बहुत सही है, अच्छा पिगमेंटेड, यू गाइस कैन सी. एकदम बटर जैसा, मस्का जैसा ये आपके स्किन पे काम करेगा. आई लव इट. हमारे पास ब्यूटी ब्लेंडर भी है, ये भी अंडर 100 रुपीज़ है, बट ये बहुत ज़्यादा क्यूट है गाइस. क्यूट क्यों है मैं आपको दिखाती हूँ. वो दिस इज हाउ इट लुक्स. एकदम डायमंड शेप का है, इतना प्यारा लग रहा है ना, मुझे यूज़ करने का ही दिल नहीं कर रहा इसका. ये मुझे थोड़ा सा यहाँ से डैमेज भी दिख रहा है, पर चलो ठीक है, यूज़ करके देखते हैं. इसके बाद हमने लगाना है अपने फेस पे कंसीलर, ठीक है, इसको ताकि एक ही कलर हो जाए. अगेन मैंने परचेस किया इनसाइड का कंसीलर. दिस इज इन द शेड पोर्सिलेन NC1. तो ये कुछ ऐसा लगता है. आई एम ऑलरेडी यूजिंग इट. लेट्स अप्लाई दिस. इसको मैंने ये ब्यूटी ब्लेंडर से लगा रही हूँ. मुझे दिल ही नहीं कर रहा इसको ख़राब करने का, बट वी हैव टू. उसको अब हमने हाइड करना है. वाओ, ये अच्छे से कॉर्नर्स तक जा रहा है यार, इट्स नाइस. ओके गाइस, आफ्टर ब्लेंडिंग ये कुछ ऐसा लग रहा है, यू गाइस कैन सी. जो मेरे डार्क सर्कल्स है ये एकदम ही गायब हो गए, बिकॉज वी हैव यूज कंसीलर उसके साथ. फर्स्ट हमने क्योंकि कलर करेक्टर लगा दिया था, इसीलिए इट्स लुकिंग नाइस और बहुत ज़्यादा सटल नेचुरल लग रहा है. व्हाट यू गाइस थिंक, अच्छा है ना. करेक्टिंग और कंसीलिंग तो हो गया. नेक्स्ट मैंने परचेस किया था फाउंडेशन, एंड इट वाज रियली डिफिकल्ट टू फाइंड फाउंडेशन अंडर रुपीज 100. तो मैंने ये परचेस किया था, मैंने ब्लू हेवन का ऑर्डर किया था. एंड यू गाइस, आई हैव रिसीव्ड दिस. लैक्मे का मुझे फाउंडेशन मिल गया. मैंने ऑर्डर किया था कुछ और मुझे मिला कुछ और है. आई थिंक नायका हॉट पिंक सेल में नायका वाले इतना बिजी हो गए कि उनको ध्यान भी नहीं था कि वो क्या भेज रहे हैं. एंड द वर्स्ट पार्ट इट, मतलब चलो ठीक है यार, ब्लू हेवन परचेस किया, लैक में मिल गया, इट्स एक्सपेंसिव देन यू नो, इससे ज़्यादा महंगा है ये. पर गाइस द वर्स्ट थिंग इज इसका जो शेड है ना, इट्स नॉट माई शेड. बहुत ज़्यादा डार्क है, वरना मैं काम भी चला लेती थी. तो या यू गाइस कैन सी दिस इज रियली डार्क. सी मेरा स्किन टोन देखो, ये देखो, और ये ऑक्सीडाइज होता है उसके बाद में और ज़्यादा डार्क लगेगा. तो या इट्स अ कम्प्लीट वेस्ट. तो मैंने नायका पे जाके ये कंप्लेन किया था, मैंने कैंसिल ऑर्डर रिटर्न ऑर्डर किया था, बट कोई रिटर्न पिकअप के लिए नहीं आया है. बट द गुड पार्ट इज मुझे मेरा रिफंड मिल गया. दे रिफंडेड मी माई अमाउंट विच वॉज 100 रुपीज़ समथिंग, 100-120, क्योंकि छोटा पैसा था तो वो लोग रिटर्न पिकअप के लिए नहीं आए. दे गेव मी माई रिफंड और ये भी मुझे ही दे दिए. लाइक रिटर्न कोई पिकअप करने नहीं आया है, इट्स बीन रियली लॉन्ग अभी. एंड या ये फाउंडेशन अभी मेरे पास है. नाउ
आई विल बी गिफ्टिंग दिस टू माय फैमिली मेंबर और जिसका भी स्किन टोन मैच हो जाए मैं उनको देने वाली हूँ, क्योंकि मुझ पे तो ये मैच नहीं हो रहा है, पर इसकी जो क्वालिटी बहुत अच्छी है. आई ऑलरेडी हैव लैक्मे 925 का फाउंडेशन, इट्स वेरी गुड. इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड यू नो अच्छा कोई फाउंडेशन आप देख रहे हो, गुड क्वालिटी एंड गुड कवरेज, देन यू कैन इन्वेस्ट ऑन लैक्मे 925. इट्स रियली नाइस. पर इनका शेड रेंज बहुत कम है एंड या मेरे साथ धोखा हो गया. ऐसे में नायका ने मेरे साथ धोखा कर दिया गाइस, कांट हेल्प. तो अभी हम बिना फाउंडेशन के अपना मेकअप कंप्लीट करेंगे. तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉरवर्ड. हम लोग अपने फेस को सेट कर देंगे विद कॉम्पैक्ट पाउडर. ये है LA18 का एंड इसमें MRP लिखा हुआ है 110, बट आपको ये Amazon पे नायका पे हमेशा डिस्काउंट पे मिल जाएगा. सो यू विल गेट दिस अंडर 100 rupees. मुझे क्योंकि 100 rupees के अंदर ही मिल गया था. इसकी जो पैकेजिंग है ये अच्छी है, इट लुक्स लग्जूरियस. पैकेजिंग कुछ ऐसी आ जाती है. अंदर इसका बहुत ही बैड क्वालिटी वाला, एकदम मतलब फ्री में दिया तो ऐसे मिल गया वैसा है ये कुछ. अप्लाई दिस, दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. दिस इज इन दिस शेड 02 मार्बल. चलिए इसको लगा के देखते हैं. तो ये गाइस ब्लेंड करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है. ओवरऑल बोलो तो अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है. फॉर अ कॉम्पैक्ट इट्स अ गुड चॉइस. प्राइस के हिसाब से इट रियली वर्क्स वेल. एड सम कलर ऑन आर फेस. तो मैंने लगा रही हूँ ये इनसाइड का ब्लश. अगेन दिस इज फॉर 80 rupees ओनली. इसकी MRP 80 rupees है, बट आपको हमेशा ये डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएगा. इट्स ऑफ रियली गुड क्वालिटी. अगेन ये क्रीमी है. आई फॉरगॉट टू अप्लाई इट बिफोर कॉम्पैक्ट. लगाना था इसको क्योंकि पाउडर के बाद में क्रीम नहीं लगाते हैं, पर आई फॉरगॉट. पर इट इसको मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ. इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी. दिस इज इन द शेड 04 वाटरमेलन पॉप साइकिल. या इनसाइड में इतनी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था यार. सो या दिस इज हाउ द ब्लश लुक्स लाइक. वाओ कितना पिगमेंटेड है. इसको अब हमने ब्लेंड करना है, एकदम पिंक पिंक हो जाएगा हमारे गाल. लेट्स फेक की यू नो एकदम कश्मीरी वाला लुक फेक करते. चलो आई शेडो की तरह यूज कर लेते हैं. तो या वो लेस इज मोर. And this is how it looks. You guys can see कितना प्यारा लग रहा है ना. Eyes. Something for our eyebrows. Eyebrows set करते हैं. Eyebrows, I have this inside का eyebrow pencil. ये कुछ ऐसा लगता है. You guys can see कुछ ऐसा लगता है. इसके one side आपको spoolie मिल जाएगा. Okay. And another side is this. ठीक है. ये कितना pigmented है. तो या दिस इज हाउ इट लुक्स. अब आईब्रो पे लगा के देखते हैं, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव अ वेरी बुशी आईब्रोज. सो या गाइस दिस इज हाउ इट लुक्स. आई फाउंड दिस रियली डिफिकल्ट टू ब्लेंड एंड एवरीथिंग. तो मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आया. लेट मी नो व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दिस. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया. आई वोंट रिकमेंड दिस. आई फाउंड इट रियली डिफिकल्ट एंड आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू यू नो ब्लेंड दिस. ये ब्लेंड करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा. एक साइड मुझे थोड़ा डार्क लग रहा है, एक साइड थोड़ा कम हो गया. आई डोंट नो, पर इट्स माई फॉल्ट और इसका फॉल्ट है पता नहीं, पर मुझे ये कन्वीनियंट नहीं लगा. तो या दैट्स वॉट I have to say about this product. Under 100 rupees, it's good. If you are pro with eyebrow pencils, you can definitely use it much better than me. So yeah, just moving forward, now let's do our eyes. I have this mascara and kajal. Dono hi Blue Heaven ka hai. Ek ka price 135 MRP hai. Par aapko ye bhi discount price mein under 100 rupees mil jayega. And we have this kajal, which is for 90 rupees. एंड ये भी आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल ही जाएगा. आई एम नॉट अ काजल पर्सन, बट आई यूजुअली टाइट लाइन कर देती हूँ. मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाहर की तरफ आई अप्लाइड. तो चलो देखते हैं कि ये कैसा है. अनबॉक्सिंग. तो इसका जो टिप है ये कुछ ऐसा लगता है नॉर्मल लैक्मे मेबलिन के काजल जैसा ही है. तो या आफ्टर अप्लाई टूट गया. चलो वापस लगा के देखती हूँ अब की बार प्यार से. या इट्स नाइसली पिगमेंटेड एंड बहुत ज़्यादा आपने जोर नहीं देना है वरना टूट जाएगा जैसा अभी टूटा है. ओके, विल बी अप्लाइंग मस्कारा डायरेक्टली. अप्लाइड इट. या इसकी वॉन्ट कुछ ऐसी आ जाती है. नाउ लेट्स अप्लाई दिस. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम.
applied the same on my lower lashes too, and this is how it looks. Let me know what you guys think. To me, it's very messy. It's jidhar pe bhi lag raha hai, you guys can see. It's not that great. मतलब इतना liquidy है ये, जहाँ पे भी लग रहा है वहाँ पे मुझे सब काला काला दाग हो गया है. Like I don't know what to say, पर ऐसा लग रहा है मैंने कोई काजल लगाया हुआ है. What do you guys think? It's nice, but it's very messy. It is very messy, and not for me. Definitely, I'm not a big fan of such mascara. It looks good, पर जो भी इसका overall texture है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा. If you do like this, ये पूरा बाहर आ जाएगा. So I don't think so कि ये 12 hours तक stay करेगा. पर yeah, affordable range में you can check it if you want. तो yeah. And now let's move to our lips. Lips पे मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लगाया है. तो let's go with this Swiss Beauty का this is lip liner. ठीक है, it's a brown shade. इसमें से मैंने Bobbi Brown कुछ shade purchase किया है. ठीक है, चलो इसको apply करते हैं. या तो मैं यही जो लिपस्टिक है ना, इससे पूरे अपने लिप्स को लाइन करूँगी. वी आर नॉट यूजिंग एनी लिपस्टिक, वी आर यूजिंग लिप लाइनर फॉर टुडे. देखते कैसा लगता है इसका शेड. अच्छा लग रहा है, द शेड इज रियली नाइस. आपको 69 rupees का पड़ जाएगा विदाउट, व्हेन इट्स नॉट ऑन सेल, ये आपको 69 rupees में पड़ जाएगा. ऑन सेल यू विल गेट इन मोर डिस्काउंट. तो यार डेफिनेटली चेक दिस आउट. ये लगाने के बाद ये कुछ ऐसा लगता है. दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन माई स्किन टोन. या नाउ लेट्स स्टॉप दिस विद इनसाइड का लिप बाम. नो इट्स नॉट, इट्स अ लिप ग्लॉस. ठीक है, इट्स अ क्लियर लिप ग्लॉस. लेट्स अनबॉक्स दिस. ये क्लियर लिप ग्लॉस है. इसको हमने ये जो लिपस्टिक के ऊपर लगाएंगे, लिप लाइनर के ऊपर. दिस इज हाउ इट लुक्स. ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. यू विल गेट इट अंडर ₹100. इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, बट आई गॉट दिस क्लियर लिप ग्लॉस. नाउ लेट्स अप्लाई दिस. ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स. आप आपकी कोई भी लिपस्टिक को एकदम सा ग्लॉसी बना सकते हो विद दिस क्लियर लिप ग्लॉस. इट्स रियली नाइस एंड वेरी इनएक्सपेंसिव. सो दिस इज हाउ आर मेकअप टर्नड आउट. लेट मी नो आपको ये कैसा लगा. विल फिक्स दिस विद अ सेटिंग स्प्रे. फॉर सेटिंग दिस मेकअप आई एम यूजिंग दिस ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर. अगेन ये भी अंडर 100 rupees मुझे मिल गया था. नाउ लेट्स सेट दिस. ये दिखने में कुछ ऐसा लगता है. इट्स वेरी अफोर्डेबल. ओके, दिस इज हाउ इट. ओह शिट, इट स्मेल्स सो बैड. ओह, ये ना मेकअप रिमूवर जो होता है ना, उसका स्मेल आ रहा है इसमें से. छी यार, कितना गंदा स्मेल है. कांट इवन बेयर इट. इसका जो फ्रेग्रेंस है ना, It's not even fragrance. इसको बदबू बोलेंगे कोई. Like it's so bad. Fragrance is bad, but let's see how it works. Okay. It gives you a very dewy skin. ये लगाने के बाद में थोड़ा सा dewiness आ गया है. तो yeah, this is our makeup look. All the मेहनत, this is how our makeup turned out. सारी चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा affordable रखी. Everything was under 100 rupees. So if you are a beginner or you know new into makeup or college or school student, then you can definitely try this out. मैंने आपको सारा ही अपना genuine review दिया है and it was good to you know ये सारी चीज़ experiment करने में मुझे बहुत अच्छा लगा. Now let's hope कि I don't get any sort of pimple with this products. But ये सारी चीज़ें ना inside की चीज़ें, inside brand के जो products हैं, 90% I have used it personally and मुझे कुछ भी side effect नहीं हुआ है. I'm just worried about the setting spray, but overall it's really nice. Let me know आपको ये कैसा लगा. The setting spray I think is really working, क्योंकि इतना glow आ गया है face पे. We have not used any highlighter and still इतना glowy हो गया है face. Wow. Definitely a thumbs up. सारे जो प्रोडक्ट्स का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. सो डोंट फॉरगेट टू चेक डिस्क्रिप्शन. नाउ लेट्स मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो. एंड इफ यू वॉन्ट मोर सच हॉल वीडियो, मेकअप रिलेटेड वीडियो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना. एंड नाउ बाय बाय. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड स्टे कनेक्टेड. बाय बाय.